इसलिए ज़रूरी था कि जितना जल्दी वैक्सीनेशन हो जाए उतना सेफ महसूस करने लगे हम। दिक्कत तो हुई थी सुबह से, मैं बहुत कोशिश कर रहा था बट आई कुड नॉट सक्सीड, माय डॉक्टर कुड सक्सीड। हम इंडिया के वैक्सीन पर विश्वास करते हैं, हमको कुछ डर। ऐसे सुविधा अच्छी है, थोड़ा वेटिंग पीरियड था अबाउट 1-2 आवर्स बट फटाफट सब हो गया। देयर विल बी ग्लिचेस इनिशियली एंड दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट हैज हैड इट ओपन फॉर 2 वीक्स फॉर वॉक-इन। मेरा एज है 91। 81 इयर्स। 68 इयर्स यंग। 86। एज 73। 71 इयर्स है। मेरी एज 64 है। आया इसलिए आया है कि हमको बहुत जरूरी है ये वैक्सीन लेने का। मेरा एज है 91, सो आई कैनॉट टेक फर्दर चांसेस। सो हमने इमीडिएटली रात को 12 बजे में सब ऑनलोड किया। बिल्कुल इम्पोर्टेंस था, बहुत जरूरी, काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे, बिल लगे और हम इसको लगवाए। आपको कुछ कोमोबिडिटीज है, डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कुछ डिजीजेस है? मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी 5 साल पहले, तब से मैं मेडिसिन ले रहा हूँ। हाउ इम्पोर्टेंट वाज इट? आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। विद द पेंडेमिक टेकिंग लार्जर प्रोपोर्शंस एंड गेटिंग म्यूटेटेड, each and everyone should have it without fail. We still have to take precautions. Vaccination is not a cure. It is only a defense mechanism. It's like airbag in a car. You cannot stop an accident to happen, but at least you can take precautions. तो इसलिए ज़रूरी था कि जितना जल्दी वैक्सीनेशन हो जाए उतना सेफ महसूस करने लगे हम, खुद के लिए भी और घर में औरों के लिए। अभी पता ही नहीं है इसके बारे में कुछ, तो जो वैक्सीन अवेलेबल है एटलीस्ट उसको लगवा के सेफ रहना तो बहुत अच्छा है। और ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि ये वैक्सीन नए वेरिएंट्स के लिए भी उतना ही इफेक्टिव होगा, तो उम्मीद करते हैं कि इफेक्टिव होगा। वी हैव कम ऑन द फर्स्ट डे ट्राइंग टू गेट वॉक इन, देयर हैव बीन लॉट ऑफ पीपल हियर हु हैव ट्राइड टू हेल्प। देयर विल बी ग्लिचेस इनिशियली एंड दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट हैज हैड इट ओपन फॉर 2 वीक्स फॉर वॉक इन, ओनली फॉर दिस प्रॉब्लम। We are not technologically very advanced people, so we just wait in the queue. We saw right now while we were trying to sign up on your app, we saw that the dates that are there are 24th is an available date. So yes, all the dates are filled. So is that a problem if you had to register online only? What problems will you face? Yeah, but that is why they have said you don't have to register only online and you can be a walk-in. What more can anybody do actually? बहुत जरूरी है, मतलब बॉडी में रेजिस्टेंस कभी फिर आ सकता है, जैसे और म्यूटेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारे आ रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट भी ये काम करेगा, तो वो भी हम लोगों को अफेक्ट नहीं करेंगे, एज लोगों को। बाकी तो मतलब अपनी डाइट और वो है। नहीं, पहले एक बार आके गए मगर तभी बुकिंग नहीं था, इसलिए हम फिर आए हैं। अच्छा, कंफर्म करके आए हैं। अच्छा, आपने ऑनलाइन करवाया था या ऑफलाइन? ऑनलाइन। ऑनलाइन करवाया था। किसी जगह टेक्निकल कोई दिक्कत नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इंडिया के वैक्सीन पर विश्वास करते हैं, हमको कुछ डर नहीं। मैं आज सुबह से लगा हुआ था, मेरे पूरे परिवार लगा हुआ था। मेरा रजिस्ट्रेशन कराने में मेरी तीनों बेटियां लगी हुई थी, एक अमेरिका से लगी हुई थी, 2 इंडिया से लगी हुई थी, सब इसी काम में लगी हुई थी और तीनों ने मिल करके रजिस्ट्रेशन करवाया। आज सबसे पहले साइट खुलते ही 9 बजे दिक्कत तो हुई थी सुबह से, मैं बहुत कोशिश कर रहा था बट आई कुड नॉट सक्सीड, माय डॉक्टर कुड सक्सीड। डर तो है अभी, क्योंकि अभी तो पूरी तरह तो सुरक्षित नहीं है। जो सब न्यूज वगैरह पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं डॉक्टर्स की राय, तो टाइम तो लगेगा 1.5 महीने, तो अभी थोड़ा सा डर रहेगा, उसके बाद लगता है कि 1.5 महीने बाद हम फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल ट्रस्ट है, अब नहीं करेंगे तो क्या करना तो है ही, सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, सब करेंगे, इसमें ऐसा कोई ट्रस्ट वाली बात ही नहीं है, जो कंपल्स है वो है। नहीं, कोई प्रेफरेंस नहीं था इस समय के, जो लग जाए समय की मांग तो ये है कि जितना जल्दी और जो वैक्सीन अवेलेबल। टीवी में देखा था जी न्यूज़ में, उन्होंने ये बताया कि आज से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रही है, तो मैं आया यहाँ पे, उन्होंने कहा था कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो वहाँ जाके करा ले, वहाँ एक टोकन मिलेगा, टोकन से इंजेक्शन लग जाएगा। ये मना कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं आप ऑनलाइन करवा के आइए। अच्छा, कोविन ऐप से। अच्छा, तो आप अभी क्या करेंगे? आप अभी कह रहे हैं वो कुछ कह रहे हैं, ये चक्कर है। इसलिए आप बोल रहे हैं कि वॉक इन भी होना चाहिए था, जो यहाँ पे ऑन साइट रजिस्ट्रेशन वो नहीं हो पा रही है अभी, ये मना कर रहे हैं। अच्छा, तो आप अभी कैसे रजिस्टर करेंगे, अभी क्या सोचा है आपने, क्योंकि वैक्सीन तो चाहिए? कोविन ऐप पे कर देंगे रजिस्टर, जिस जो जिस हॉस्पिटल बोलेंगे उस चले जाएंगे, उसमें क्या कर सकते हैं।
बट ठीक है, अब तो हम आ गए पार, निकल जाएंगे बहुत जल्दी। हाँ, यहाँ के रजिस्ट्रेशन हो गया, 5-10 मिनट में रजिस्टर करके प्रोसीजर स्टार्ट हो गया और अभी बहुत अच्छे से हमारा मैनेज हो गया। क्या बताएंगे लोगों को, बताएंगे आप वैक्सीन लेना है? यस, बी ब्रेव, टेक द वैक्सीन, इट विल बी सेफर फॉर ऑल ऑफ अस इन इंडिया।